आइए आज जाने देवरिया का इतिहास। यह जनपद 14 मार्च 1946 ईस्वी में गोरखपुर से अलग होकर देवरिया जिला बना। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक मशहूर जनपद देवरिया के नाम से मुख्यालय देवरिया प्रसिद्ध है। यह जिला इसके लिए भी प्रसिद्ध है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर इसी जनपद में 1994 तक रहा। बाद में कुशीनगर पडरौना जनपद अलग होकर एक जिला घोषित हो गया। कुछ विद्वान लोग देवरिया की उत्पत्ति देवारण्य या देवपुरिया से मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में कभी बहुत घने वृक्ष हुआ करते थे जिसमें विभिन्न देवताओं का वास था। यह क्षेत्र अत्यंत प्राचीन काल से देवों और आर्यों की संयुक्त भूमि रही है जिसका कारण इसे देवार्य कहा जाता था जो कालांतर में देवरिया के रूप में जाना जाने लगा। इस जिले के वर्तमान क्षेत्र का एक हिस्सा उत्तर में हिमालय से घिरा हुआ है। दक्षिण में स्यांदिका नदी कौशल राज्य का एक केंद्र था। भारत के आधुनिक इतिहास के अनुसार यह जनपद स्वतंत्रता संग्राम में भी पीछे नहीं रहा और अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल फूंक दिया था। शहीद रामचंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज बसंतपुर धूसी तरकुलवा के कक्षा 8 का एक छात्र बालक रामचंद्र ने देवरिया में भारतीय ध्वज तिरंगे को फहराकर शहीद रामचंद्र होकर सदा के लिए अमर हो गया। इतना ही नहीं बल्कि देवरिया की प्रसिद्धि ब्रह्मर्षि देवराहवा बाबा, बाबा राघवदास, आचार्य नरेंद्र देव जैसे महापुरुषों की कर्मभूमि के साथ भी प्रसिद्ध है। देवरिया जिला मुख्य कस्बों बरहज, भटनी, सलेमपुर, रुद्रपुर, भागलपुर, गौरी बाजार में बटा हुआ है। देवरिया में एक और कस्बा है जो खुखुंदू चौराहे से प्रसिद्ध है। वहाँ एक प्राचीन जैन मंदिर है। धन्यवाद।